सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो मैंने वीडियो बहुत दिन बाद बना रहा हूँ क्योंकि वो मेरा एक थोड़ा आया था प्रोजेक्ट सा, मतलब ऑर्डर आया था बहुत, उसमें 11 घंटे लग गए। आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको दिखाई होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप नहीं करते तो जल्दी से आकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। 11 घंटे लगाए थे भाई वो लोगो बनाने में। तो आज का वो जो आपने देखे होंगे, जैसे कि मोर्टल, सबके एकदम कैरेक्टर थंबनेल्स होते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं एंड्रॉयड पे, मैं वो सिखाऊंगा आपको। तो आपको ये ऐप मिल जाएगा आराम से, किस पे? प्ले स्टोर पे, बिल्कुल फ्री ऐप है, ठीक है। तो आपको पहले अपने आपका जो भी फ़ोटो होगा वो ले लेना है। फिर जैसे कि आप देख ही सकते होंगे, आपको आपको जैसा आपका कैरेक्टर चाहिए आप उसके हिसाब से अपना ड्रॉ करो। और देखो, मैंने जैसे कि ड्रॉ किया हुआ है एकदम ड्राइंग ठीक ही। अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है ड्रॉ कर लो और फिर उसके हिसाब से आप आराम से कर सकते हो। ये हो गया, ये मैंने नोवा किंग के लिए एक फैन आर्ट बना रहा था, नोवा किंग बनाया मैंने बस। वो मैं जब डालू इंस्टा पे वो देख ले और मेरे को शाउट आउट दे दे, बस मेरे को वही चाहिए, ठीक है। तो अभी की मैंने जैसे कि आप, और मेरा फिक्स साइज़ है 1.5 ही रखता हूँ मैं। और ब्लैक कलर ले लो, ओपेसिटी तो फुल ही रखने का, ब्लैक कलर ले लो, ठीक है। आपको कैसे करना है मैं आपको पहले एकदम धीरे से बताऊंगा, फिर फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो बने नहीं। तो देखो जैसे कि मेरा ये फेस है, तो मैं इसको बनाता हूँ ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 करना है, जिससे आपका एकदम अच्छे से बन जाएगा। तो देखो ये है ना, तो ये थोड़ा कम लग रहा है, आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा आराम से कर सकते हो, जो भी आपको करना हो, ठीक है। फिर इसके हिसाब से आप कर सकते हो एकदम इजी पीजी, ठीक है। अभी फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है।
ठीक है, ऐसे करना है। देखो मैंने आउटलाइनिंग दे दी है, अब कलरिंग की बारी है। ठीक है, तो कलरिंग के लिए मैं मतलब एक जन का पैलेट यूज़ करता हूँ, फिर आप इधर से भी ले सकते हो। देखो ये सब कलर्स है, आप इधर लो और ये कलर्स में ला के फिर अपने हिसाब से लाइट डार्क करते रहो, जिससे आपका एकदम मस्त वाला कैरेक्टर समझने लगेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ये जो डिटेलिंग सा हो, अब डिटेलिंग करूँगा कलरिंग तो वो भी मैं इससे ही करता हूँ। देखो आप जैसे देख सकते हो मैं इससे ही करता हूँ कलरिंग भी, तो ठीक है। तो वैसे ही आप देखते रहना, मैं ये भी फास्ट फॉरवर्ड कर ही दूंगा। और आप जब ये करो, ये जब तो देखो ये सब है ना जो एक्स्ट्रा, ये हटाया करो, क्योंकि ये फिर ख़राब दिखता है जब आप करोगे ना स्किन कलर या जो भी आपका कैरेक्टर का कैरेक्टर करोगे तो उसके हिसाब से ये ख़राब दिखेगा बहुत। तो डिटेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, पर आप एकदम अच्छे से शांति से डिटेलिंग करके ही करना। टाइम कंज्यूमिंग है पर दिखता भी फिर एकदम ओपी सा है। ठीक है, देखो जैसे मैंने कितना इधर ख़राब कर दिया एकदम, तो आप आराम से डिटेल करो और फिर ही करना, कुछ भी आप करो डिटेल के बिना कुछ भी मत करना। ठीक है, तो अभी जैसे मैं पे कलर कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ऊपर से थोड़ा इसको डिटेल दे देता हूँ जिससे थोड़ा थोड़ा अच्छा दिखेगा। इसके बाद मैं आपको थंबनेल भी बता ही दूंगा कैसे करना है, इसका थंबनेल भी बना दूंगा इसी वीडियो में। बहुत लंबी होगी, बहुत नहीं थोड़ी लंबी तो होगी ये वीडियो, तो आप ध्यान से देखना कैसे करना है क्या करना है। ओके, तो जैसे नोवा किंग है जैसे बना दिया है मैंने, तब इसका एक डुप्लीकेट लेयर कर दो, जिससे आपको ना आपको ही बहुत इजी पड़ेगा। देखो जैसे मैंने डुप्लीकेट लेयर कर दिया नीचे है, इसके ऊपर वाले को एकदम ऊपर ही रखना और नीचे वाले को। अब देखो जैसे मेरा ये एकदम लाइट स्किन कलर, पहले मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कलर सिलेक्ट हो, तो ऐसा अगर आप देखो ये फील हो जाता है, कैसे फील होता है मैं आपको बताता हूँ। समझो ये एक सर्कल है, अगर ये टच है ना तो ये फील हो जाएगा, पर अगर ये टच नहीं है ना तो ये फील नहीं होगा। आपको पूरा टच करना पड़ेगा, इतना भी बाकी होगा तो भी फील नहीं करेगा, पूरा ही टच करना पड़ेगा आपको। देखो अभी एकदम टच हुआ, इसके लिए ऐसा हुआ। देखो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो वैसे ही देखा मैंने डुप्लीकेट लेयर किया तो मेरे को इजी पड़ गया, क्योंकि इसमें पहले से देखो ना मैंने टचेस करके ही रखे हुए हैं, तो मेरे को सिर्फ वैसे फील ही करना है। पर जब आप डार्क कलर करोगे या वैसा करोगे तब आपको देखा जैसे कि आपने देख ही लिया ये मैंने किया है, तो अभी मैं इसमें जाके इसका थोड़ा डार्क कलर लूँगा। अब ये तो ले लिया, अभी इसका डार्क कलर लूँगा, ये थोड़ा स्किनिश टाइप भी दिखेगा। तो ये देने के बाद मैं इसको थोड़ा रखता हूँ, फिर एक ड्रॉ लेयर करना। ड्रॉ लेयर आपको आता ही होगा कैसे करना है, इसमें जाके इधर ऊपर प्लस का आइकन है उधर ड्रॉ लेयर करती हो। ठीक है, तो अभी मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से अच्छे से डिटेलिंग दिया करो। सॉरी इसके ऊपर रखो जिससे ये कलर दिखे। अरे भाई हाँ, ऊपर देखो दिख रहा है आपको, तो आप ऐसे ही करते रहना जिससे आपका
उसी प्रकार से आप मतलब उसी तरीके से प्रकार बोलो उसी तरीके से आपको ये भी बनाना है। बाकी सब जो पार्ट्स हैं आपके, मतलब हाथ ले लो या पाँव ले लो या आप जितना भी बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, तो इतना बना रहा हूँ मैं, अभी वीडियो बंद कर रहा हूँ, फिर अभी इसका आपको थंबनेल बताऊँगा आपको कैसे बनाना है। तो ये ऐप तो आपके लिए एकदम सिमिलर है, ये स्टेच, ठीक है, इसकी साइज़ 1280, और ये साइज़ लेने के बाद आपका थंबनेल एकदम ओपीला तैयार हो सकता है। तो ठीक है, आपने फोटो लेयर में जाके आपका जो फोटो है, मतलब जो भी आपको बैकग्राउंड रखना हो आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से कोई भी एक अच्छा सा बैकग्राउंड रखते हो, तो मैं बैकग्राउंड रखना चाहूँगा ये देखो एडोब प्रो का मेरा नोवा किंग, और मैंने पिक्सल ऐप पे बहुत सारे वो भी बना दिए। तो मेरे को बैकग्राउंड के लिए मैं क्या यूज़ करूँ, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ फिलहाल। तो मैं बैकग्राउंड इधर से कोई ले लेता हूँ, एकदम नॉर्मल सा बैकग्राउंड ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा बैकग्राउंड है और ये अपने हिसाब से सेट हो गया इसका, मतलब एकदम कर रुक जाना आपको करके दिखा रहे हैं। ये एम्प्टी लेयर तो आप ऊपर ले लो, और इसको आप अपने हिसाब से, मैं इसको दूंगा येलो इसका कलर। ठीक है, तो मैं येलो नहीं ऑरेंज ही कर देता हूँ, ऑरेंज में प्रेफर करता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑरेंज मैंने कर दिया है यहाँ पे, और ठीक है तो ये कर लिया। फिर इसको जाके ना आप लीनियर डॉज करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, ओवरले करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। देखो ओवरले में बहुत क्या बोलते हैं सेक्सी दिखा, मतलब बहुत ही सेक्सी। ठीक है, तो ये ओवरले कर दिया है, और इसकी थोड़ी कम कर दो, थोड़ा डायरेक्शन ब्लर दे दो, क्योंकि अपने को क्या मेन क्या दिखाना है, उनका जो मेन पोस्टर है वो दिखाना है। ठीक है, डुप्लीकेट ले लिया है, देखो अब ये एकदम वैसा दिख रहा है। अब इसमें क्या पहना अपना जो वो है हमारे नोवा किंग भाई, तो उनको आप सिलेक्ट कर लो, देखो नोवा किंग एकदम मस्ती करें ना नोवा किंग। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से नोवा किंग को, या आपकी जो भी कैरेक्टर है आप अपने हिसाब से उसको बीच में या जहाँ पे भी आपको रखना हो आप रख सकते हो। तो मैं इसको सोच रहा हूँ थोड़ा साइड में सही कर दूँ, क्योंकि ये सोच रहा है ना, कुछ सोचने का है। ठीक है, ये वीडियो बहुत बड़ा होगा क्योंकि इसमें दो दो चीज़ एक साथ कंबाइन करके दिए, पार्ट में नहीं दिया, मैं पार्ट में दे सकता था, पर ठीक है अभी। ठीक है, नोवा किंग ये सब पहले तो कर दो, इसको नीचे ला दो भाई, नोवा किंग जब इसको बड़ा सही कर दो। भाई बैकग्राउंड थोड़ा अवॉइड करना यार, बैकग्राउंड का मेरी तरफ कुछ सीन नहीं रहता। तो ठीक है, नोवा किंग मैंने लिख दिया ऐसे। तो अभी देखो, जैसे मैंने कॉन्करर वाला है मेरा मेन, मतलब ये जो कॉन्करर हैशटैग वन जा रहे हैं, मतलब पहुंच ही जाएंगे, मेरे को इन पे भरोसा, बहुत ओपी प्लेयर है, मतलब बहुत अच्छे प्लेयर है। ठीक है, तो कॉन्करर पहुंचना है इनको, तो मैंने कॉन्करर का पहले टैक्स लगा दिया। अब ये जो मेरे पे ना कॉन्करर का शायद कुछ था, मैंने पीएनजी मतलब कहाँ पे तो मैंने बनाया था यार, एक मिनट रुक जाओ यार, क्या सीन है कॉन्करर वाला, कहाँ चल दिया यार, मेरे को मिल नहीं रहा। पर आप कॉन्करर वाला बना सकते हो पिक्सार्ट पे जाके, आप पिक्सार्ट पे जाके इजीली उसको ले लो और बन जाएगा। देखो हाँ, ये रहा कॉन्करर। ठीक है, पिक्सार्ट पे एकदम इजीली बन सकता है कॉन्करर, पहुँचना है इनको तो कॉन्करर पहुँच ही जाएंगे। हाँ एकदम, ठीक है, तो इनको पहुँचना है कॉन्करर, शाइन दे सकते हो। पहले कॉन्करर को थोड़ा साइड में ले लो, क्योंकि दिख नहीं रहा ना कॉन्करर लिखा है मैंने, तो ये रहा कॉन्करर। ठीक है, और फिर जो मैंने हैशटैग वन सून वो भी एक है, वो भी लिखना है मेरे को। तो वो देखो, जैसे कि मैंने लिख लिया, मतलब ये सब किससे कर रहा, ये सब मैंने पिक्सल ऐप से किया, और जो भी फॉन्ट मैंने डाउनलोड किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से मैंने सब लिंक्स डाउनलोड करता हूं मैं, तो आप भी उधर से आराम से कर सकते हो ईजी। ठीक है, नोवा किंग हैशटैग वन कॉन्करर सून। अब इनको थोड़ा एक बार शाइन सा दे देता हूँ, तो डुप्लीकेट लेयर कर दो और इस पर जाके इसको ट्रांसफॉर्म। ये सब तो अभी मेरे हर वीडियो में नॉर्मल सही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और इसको लीनियर डॉज कर दो, और कोई लेना है नॉर्मल ऐसा दिखेगा, लीनियर डॉज। ठीक है, कॉन्करर अरे रैप नहीं यार, क्या हो गया ये ट्रांसफॉर्म, स्टेटमेंट सुन इधर लिख दे, तो कॉन्करर इसके बाजू में, तो ये अच्छा खासा दिखेगा। ठीक है, और ये कॉन्करर को एकदम मिडल में ला देता हूँ, और बड़ा थोड़ा कर दूँ कॉन्करर हैशटैग वन सून। पर ये नोवा किंग का मेरे को हटा दे रहा हूँ, मतलब मैं नोवा किंग नहीं रख रहा, मैं नोवा किंग में किधर और रखने की सोच रहा हूँ, और कॉन्करर है ना उसको ज़्यादा कर दूंगा, जिससे कॉन्करर पीछे बैकग्राउंड में से दिखा दूंगा। ठीक है, कॉन्करर
तो रिकॉर्ड डुप्लीकेट क्लियर कर दूँ। और मेल्ट डाउन, मेल्ट डाउन, ठीक है। तो अभी इसमें लगे इसको कहते हैं ओवरले, ठीक है। कॉन्करर, कॉन्करर इसको भाई कॉन्करर पहुँचना है ना, क्योंकि तो पहुँच ही जाएंगे पीरो प्लेयर बहुत, ठीक है। तो अभी इसके सिलेक्ट पिक्सल्स कर दे रहा हूँ मैं, रुक जाने, एक सिलेक्ट पिक्सल्स करता हूँ और एक एम्प्टी लेयर बनाता हूँ, इसके नीचे रख दूंगा मैं और इसका ट्रांसफॉर्म करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये ब्लैक कर देता हूँ मैं, कॉन्करर सिलेक्ट पिक्सल्स करके, वही वही ठीक है। हैशटैग वन सेकंड कॉन्करर, और ये जो नोवा किंग है ना, अब मैं नोवा किंग कहाँ रखना है मैं अब आपको खुद दिखाता हूँ। नोवा किंग कहाँ रखना है, देखो, नोवा किंग, नोवा किंग, नोवा किंग कहाँ है, कहाँ है, एकदम इसके साइज भी रखा जैसे नोवा किंग दिखे अच्छी, ठीक है। नोवा किंग सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट पिक्सल्स कर दो और ग्रेडियंट भी रखे, अब मैं इसको ग्रेडियंट सा दूंगा, एकदम ओपी वाला ग्रेडियंट, क्योंकि मेरा थी मैं इसको ब्लू ही सा दूंगा, क्योंकि मैंने ब्लू रखा है ना इसके कपड़े, नोवा किंग के कपड़े ब्लू है तो मैं ब्लू रखूँगा। अब इसमें जाके इसको थोड़ा डार्क कर दूंगा, एच एस में जाके इसको डार्क डार्क, ठीक है। अब इसमें फिर से जाके यहाँ लगा ले लूँगा, क्योंकि अब देख ही पा रहे होंगे नोवा किंग मैंने लिखा ही है, थोड़ा पीछे ले लो जिससे डार्क वाला पोर्शन थोड़ा दिखेगा। हाँ ये हो गया, नोवा किंग मैंने लिख दिया यहाँ पे एकदम ईजी तरीके से। फिर इस पर एक एम्प्टी ले लो, फिल द स्ट्रोक, फिल द स्ट्रोक करने के बाद ठीक है, तो ये मेरा हो गया। और मैं इसको थोड़ा कौन सा वाला, हाँ ये अलग ले लूँगा और इसको थोड़ा डार्किश दे दूँगा, ठीक है। एकदम डार्क कलर दे दिया मैंने और इसको एक सिलेक्ट पिक्सल्स करके इसमें क्लियर कर दो, ओके। और इसको कर दो लीनियर वॉश, तो इसको गॉश ब्लर देना है। देखो ये देखो कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, हल्का हल्का दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा डिफरेंस कि थोड़ी सी लाइट पड़ रही है इन पर। तो उस तरीके से मैंने ये सिलेक्ट किया और सिलेक्ट पिक्सल्स करके इसको कर दो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा करने के बाद इसका इसको मॉडिफाई कर दो इसके साथ और इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लो, इससे ग्लो दिखेगा, ग्लो चाहिए रहता है लोगों को, तो ग्लो जैसे मिलता है ऐसा मिलता है ये ग्लो, ठीक है। और मैं अभी कॉन्करर का भी एक डुप्लीकेट लेयर करके वही ग्लो देने का, कॉन्करर खाने की बात क्या, कॉन्करर लीनियर डॉज, और देखो हाँ ये हो गया ना कॉन्करर का ग्लो, ठीक है। नोवा किंग और ये सब लिख गया, अब ऐसे ही करना है आपको आपका थंबनेल को। और अभी थोड़ा और मैं थोड़ी सी एडिशन कर दूंगा, वो सब आपको मेरे पीएनजी में मिल जाएगा, पीएनजी का पैक आपको मेरे से चाहिए तो इंस्टा पे डीएम कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ठीक है गाइस, और अभी लाइट रूम में जाके वो तो आप अपने हिसाब से कर ही सकते हो, बहुत ईजी है। तो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आपने अब तक जब तक देखा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ छोड़ दो यार, और बहुत लंबी वीडियो थी मेरी, बहुत मेहनत लगी, तो गाइस आई होप पसंद आई तुम लोग।